लेसन नंबर वन है द यूनिवर्स। जो यूनिवर्स किसे बोलते हैं, जो हमारा पूरा विश्व है उसे हम यूनिवर्स बोलते हैं। स्टेपिंग स्टोन्स, स्टेपिंग स्टोन्स में क्या लिखा है कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स हमारा कैसे बना, द मिल्की वे। तो मिल्की वे हम किसे बोलते हैं और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में हमारे सन है और उसके आसपास सारे प्लैनेट्स में मूवमेंट करते हैं वो सब सीखेंगे। एंड प्लैनेट यानी मूवमेंट्स और प्लैनेट्स की मूवमेंट सीखने वाले हैं। चलो गियर अप, ये है थोड़ा सा इंडेक्स। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट दैट यू सी इन द स्काई। आपको एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और उसके नाम यहाँ नीचे दिए गए बॉक्स में लिखना है। एंड राइट द नेम्स इन द सेल्स प्रोवाइडेड, यहाँ पे स्पेस है वहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट वाला पिक्चर है वो किसका है, सन का। तो यहाँ पे आपको लिखना है सन, एस यू एन सन। सेकंड है मून, एम डबल ओ एन मून। थर्ड वाला है स्टार्स, एस टी ए आर एस स्टार्स। फर्स्ट है सन, एस यू एन सन। सेकंड है मून, एम डबल ओ एन मून। एंड लास्ट में है स्टार्स, एस टी ए आर एस स्टार्स। The universe is defined as the totality of the everything that exists. Universe कैसे बोलते हैं, यहाँ पे उसकी definition है, short form में लिखा है कि जो चीज हाजिर है उसे हम क्या बोलते हैं, universe. Such as the sun, the moon and the stars, the planets and the galaxies. तो ये universe है उसमें क्या आता है, sun, moon, stars, planets and galaxies. सारे प्लैनेट्स मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं और ऐसी हमारी सेवन गैलेक्सीज है, वो सब भी किस में आती है, यूनिवर्स में। द सन द मून एंड द ऑल द स्टार्स इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज। ये स्वर्गीय तत्व, ये स्वर्गीय ग्रह है। बॉडी मतलब हमारा शरीर, लेकिन यहाँ पे शरीर के फॉर्म में नहीं बोलना है, प्लेनेट के फॉर्म में बोलना है। तो ये सन मून एंड ऑल द स्टार्स है वो सब लिविंग में आते हैं, क्योंकि वो हम, वो सन है वो सब क्या है, उसका हम नाश नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है, हेवनली बॉडीज। चलो अब जाते हैं नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। हमारा यूनिवर्स है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, हमारा यूनिवर्स वो सब यहाँ पे लर्न करना है। साइंटिस्ट और वर्ल्ड का व्यू है द यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड बाई द बिग बैंग। साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स है वो बड़ी आवाज है, बिग बैंग मतलब आवाज, बड़ी सी आवाज से हमारा सारा यूनिवर्स बना है। इट इज बिलीव दैट बिलियंस ऑफ द ईयर्स अगो, वो मानते हैं कि बिलियंस ईयर्स के पहले ये वॉज अ बिग एक्सप्लोजन और बैंग। एक्सप्लोजन और बैंग का मतलब है आवाज में से एक बड़ा सा आग का गोला बना। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड इज नॉट इज द बिग बैंग। ये इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं, बिग बैंग बोलते हैं। बिग बैंग मतलब बड़ी सी आवाज, उसमें से क्या बना, फायरबॉल। द फायरबॉल इवेंचुअली कूल्ड, फायरबॉल समय लेते हुए क्या हुआ, ठंडा पड़ा। एंड फॉर्म्ड द टाइनी पार्टिकल्स, और उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मतलब हिस्सा बना। विच देन ग्रू बिगर इनटू अ गैलेक्सी, और बाद में समय जाते हुए उसमें से बड़ा सा गैलेक्सी बना। थस द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, ऐसे हमारा यूनिवर्स है वो बना। द बिग बैंग क्रिएटेड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, एक आवाज से क्या बना, स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स एक्सेट्रा। तो यूनिवर्स में क्या आते हैं, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स इन द वन ह्यूज एक्सप्लोजन, एक बड़ी सी आवाज में से स्टार, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स वो सब बने। तो यहाँ पे है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। हमारा यूनिवर्स कैसे बना कि एक बड़ी सी आवाज आई, उसमें से फायर
is approximately 200 billion stars. उसमें लगभग 200 billion जैसे stars हैं, most of which are not visible for the earth. उसमें से हम earth पे से तो कई सारे देख भी नहीं सकते. Everything we see in the sky is a part of the Milky Way galaxy. जो हम इधर earth पे से देख सकते हैं वो छोटा सा हिस्सा है, किसका? Milky Way galaxy. The Earth is the only planet in the solar system on which life exists. लेकिन Earth है वो एकमात्र ऐसा ग्रह है कि जिसमें से हमारे यहाँ life exists है, life survive कर सकते हैं. The Earth, the sun, and the rest of the solar system is a tiny part of the Milky Way galaxy. और sun and the बाकी सारे planets है वो बन के क्या बनती हमारी सोलर सिस्टम. तो ये सब एक छोटा सा हिस्सा है, इसका मिल्की वे का. इट इज आल्सो नोन एज द आकाशगंगा. उसे हम क्या नाम से पहचानते हैं? आकाशगंगा. ओके, मिल्की वे क्या है? मिल्की वे एक घर है, इसका हमारे अर्थ का और बाकी सारे अदर प्लैनेट्स का. उसमें से 200 बिलियन जैसे स्टार्स है और हमें वो सारे स्टार हम देख नहीं सकते. बच्चों अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं थोड़े हार्ड वर्ड लिख रही हूँ, वो आपको आपके एक्स्ट्रा बुक में 5 टाइम्स लिखना है और लर्न करते रहना है. फर्स्ट है यूनिवर्स. यू ए आर वी ई आर एस ई, यूनिवर्स. सेकंड है हेवनली बॉडी. एच एच ई ए वी ई एन एल वाई बी ओ बी आर ई एस, हेवनली बॉडी. थर्ड में है बिग बैंग, बी आई जी बी बी ए एन जी, बैंग, बिग बैंग. फोर्थ है फायरबॉल, ए आई आर ई बी ए डबल ए, फायरबॉल. फिफ्थ में है गैलेक्सी, जी ए एल ए एक्स वाई, गैलेक्सी. सिक्स में आता है प्लेनेट्स, ई एल ए एन ई टी एस, प्लेनेट्स. सेवन में एक्सप्लोजन, ई एस पी एल ओ एस आई ओ एन, एक्सप्लोजन. एट में द मिल्की वे, द पी एच द एम आई एल के वाई यू ई डब्ल्यू ए वाई, वे. नाइन्थ में आता है विजिबल, वी आई एस आई बी एल ई, विजिबल. टेंथ में आता है आकाशगंगा, ए ए एस एच आकाश, जी ए एन जी ए गंगा. मैं एक बार सारे रिविजन करा देती हूँ, आपका कोई बाकी रह गया है तो प्लीज कंप्लीट कर देना साथ में. टी यू एन आई बी ई आर एस ई, यूनिवर्स. यू एन आई बी ई आर एस ई, यूनिवर्स. यूनिवर्स मतलब हमारा पूरा ब्रह्मांड है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स. सेकंड है हेवनली बॉडी, एच ई ए वी ई एन एल वाई, हेवनली बी ओ डी आर ई एस, बॉडीज. हेवनली बॉडीज मतलब स्वर्गीय चीजें होती है वो. थर्ड है बिग बैंग, बी आई जी बी बी ए एन जी बैंग, बिग बैंग मतलब जोर की आवाज. फोर्थ है फायर बोल, एफ आई आर फायर, बी ए डबल ए फायर.
डोमिनेटिव का मतलब है आकाश गंगा। नाइन विजिबल वी आर एस आई बी एल ई विजिबल मतलब देख सकते हैं वो। टेंथ में है आकाश गंगा ए के ए एस एच आकाश जी ए एन जी ए गंगा आकाश गंगा एंड मिल्की वे दोनों सिमिलर नेम्स है। तो बच्चों आपको ये फाइव टाइम्स पूरी हार्ड वर्क अपनी एक्स्ट्रा बुक में लिखना है और सारे स्पेलिंग लर्न करते रहना है। अगर आपको स्पेलिंग नहीं याद रह सकते हैं तो आपको याद रखना है क्योंकि आपको क्वेश्चन टाइप के आंसर लिखने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आपको ये प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए इधर से आप जो वर्ड दे रहे हैं वो भी आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपको फाइव टाइम्स एक्स्ट्रा बुक में लिखना है। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और सारे आपके